Hello everyone, a very good morning to all of you. My name is Monica Gautam and I would like to welcome back you all on our live session at UPSC Ada 24/7's official YouTube channel. I am hoping you all must be absolutely fit and fine. Start करते हैं अपने आज के session को. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम हर दिन जुड़ते हैं सुबह के 8 बजे के अपने session में, जिसमें हम most important articles का discussion करते हैं, जो कि आपके Indian Express, PIB या फिर The Hindu newspaper के अंदर दिए जाते हैं. आज जो है हम लोग देखेंगे कि कौन से जो हैं आर्टिकल्स कल के सेशन से इम्पॉर्टेंट रहे थे, जिनके बेस्ड एमसीक्यूज़ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ आज जो है हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को भी जो है डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं. जो भी इम्पॉर्टेंट टेकअवेज हमको मिलते हैं, सारी चीज़ों को जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज का सेशन यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हर एक एस्पिरेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है. लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू आवर टुडे सेशन. अब जो है स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जल्दी से एक बार जो है क्लास का लिंक अपने अपने रिस्पेक्टिव टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन मिल जाए, पता चल जाए दैट क्लास फाइनली स्टार्ट हो चुकी है. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. लोकेश, कनू, अर्जुन एंड अंकित, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम होपिंग आप सभी बहुत 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 अच्छे होगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी. एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्टार्ट योर डे विद अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी. खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए, अपने फेलो कम्युनिटी मेंबर्स को अपलिफ्ट करते हुए इस लर्निंग जर्नी में, अपनी जो है प्रिपरेटरी फेज के अंदर, आज जो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट है, न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है फाइनली भाई, यानी कि हम कह सकते हैं आप अपने गोल के जो है और पास जा चुके हो. जैसे जैसे टाइम कम जा रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आप अपने गोल के और ज़्यादा जो है पास जाते जा रहे हो. तो फाइनली आज 1 तारीख है और यहाँ देख सकते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मोटिवेशनल कोट है. द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर. हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं ना, हमारा हमेशा फोकस होता है कि हम बहुत जल्दी से कुछ भी चीज़ अचीव कर लें. कोई अगर हम स्किल सीखते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम उस प्रोसेस में बिलीव नहीं करते. हम लोग प्रोसेस को टाइम देते नहीं है, हम फोकस करते हैं एंड रिजल्ट के ऊपर. तो जो भी लोग डायरेक्टली सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं ना, प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करते, प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएँ, तो वो पर्सन जो है लाइफ में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको खुद से ही फिर डीमोटिवेट जो वो जो है होने लगते हैं. तो कोई भी आप देख ही सकते हैं, हायरार्की से ही स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर बढ़ा जाता है. आप चाहे मैं डायरेक्टली यहाँ से पहला कदम ही रखूं और यहां पर पहुंचूं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो एक्सीलेंस पाना अगर आपको है, तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. हर दिन आपको मेहनत करनी है, हर दिन जो है आपको पढ़ना है, सीखना है, सिखाना है, तब जाकर जो है आप लोग किसी भी चीज़ को अचीव कर पाते हो. एंड अगर बाई चांस हो भी गया कि भाई तुक्का लग गया, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाती. तो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग, बिलीव इन द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस और जो है मेहनत करते चलिए. चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को. एक बार लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे अपने अपने जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, सो दैट सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं हमारे आज के सेशन में. हम तो स्मॉल गोल्स पहले अचीव करते हैं, बाद में फुल कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस के साथ लास्ट में बिग गोल को टारगेट करते हैं. और अर्जुन, वही लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल बनते हैं, जो कि प्रोसेस के ऊपर बिलीव करते हैं. चलिए, जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी है, हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, जो कि कल के सेशन के बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, आर्टिकल भी देख लेंगे. ओमान्स रिलेटिव लोकेशन इज इन. हमेशा 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 मैं आप लोगों को कहती हूँ, ऑलवेज कैरी, ऑलवेज कीप योर एटलस विद यू. हमेशा जो है आप लोगों को अपनी एटलस अपने पास रखनी है. तो वहीं आप लोगों ने कल मार्क की होगी ओमान की लोकेशन, क्योंकि कल मैंने आपको जो है इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था. हम लोगों ने देखा था ओमान जो है क्यों न्यूज़ में है, इंडिया एंड ओमान के रिलेशंस.
एज वेल एज हमने देखा था कि कौन कौन सी मिलिट्री, आर्मी एंड नेवल एक्सरसाइज हैं जो ओमान और इंडिया के बीच में होती हैं। हमने ये भी देखा था दैट गल्फ नेशन के अंदर अगर हम बात करें तो इकलौता ओमान एक ऐसा नेशन है जिसके साथ इंडिया जो है ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज अपनी करती है, यानी कि तीनों की तीनों जो हमारी फोर्सेज हैं वो अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कराती हैं ओमान के साथ। दिस इज़ दी ओनली नेशन। वहीं अगर हम बात करें गल्फ नेशन में से पहला ऐसा देश जिसके साथ हम लोगों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे, दैट वॉज ऑल्सो ओमान। तो अब आप लोगों को जल्दी से जो है लोकेशन बतानी है ओमान की। सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार। ओमान की जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन, रिलेटिव लोकेशन कहाँ है? वेस्ट ऑफ अफ्रीका, सदर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, नॉर्थ ऑफ सीरिया और ईस्ट ऑफ इराक। यस एवरीवन, जल्दी से जो है आप लोग आंसर मेंशन करेंगे व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिर आगे अपने जो है क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ। ओके, लेट्स सी व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मार्क करेंगे, आप ध्यान देंगे कहाँ पर लाई करता है, सदर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में। कल भी मैंने आपको जो है मैप ओपन करके क्लियरली दिखाया था ओमान की लोकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द लास्ट डेज करंट न्यूज ओनली। डुकम अ पोर्ट सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड वेयर? डुकम नाम का पोर्ट जो है बंदरगाह कहाँ स्थित है? यमन, सीरिया, ईरान और ओमान, वेयर इज इट सिचुएटेड? जल्दी से जो है आंसर मार्क करेंगे। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आंसर मार्क करते चलेंगे व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो डुकम पोर्ट को लेकर कल मैंने आपको लोकेशन भी मार्क कराई थी, इट इज सिचुएटेड इन ओमान। कहाँ पर सिचुएटेड है? ओमान के अंदर सिचुएटेड है ये हमारा डुकम पोर्ट। अब इंडिया की अच्छी खासी नज़र बनी हुई है इस डुकम पोर्ट के अंदर, द रीज़न बीइंग हमें जो है अरेबियन सी के अंदर अपनी जो है एक कमांड, अपना एक होल्ड इस्टेब्लिश करना है। ओके, सबसे पहले तो देख लीजिए आप लोकेशन ओमान की, दिस लाइज एट द सदर्न टिप ऑफ, दिस इज द अरेबियन सी। ओके, अरेबियन पेनिनसुला के जो है बिल्कुल सदर्न टिप पर लाई करता है, ये रहा हमारा ओमान एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द डुकम पोर्ट। ओके, ध्यान देंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया जो है अपनी, हम कह सकते हैं, नजर बनाए रखा है। नजर बनाए रखने के लिए, अपनी कमांड को बनाए रखने के लिए कहां पर? अरेबियन सी वाले रीजन के अंदर। तो हम लोगों ने अपना जो है पोर्ट यहां पर एस्टैब्लिश किया डुकम के अंदर। तो यहां पोर्ट एस्टैब्लिश करने का मतलब है कि जब भी हमारी कोई सी, हमारी कोई भी अगर इस वाटर से होकर गुजरती है हमारी वाटर बॉडीज, तो यहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें मिल सकता है, यहां से जो है हमें फ्यूल का सपोर्ट मिल सकता है, एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अरेबियन सी के अंदर हमारे, हम कह सकते हैं, एक जो है हमारी जो है यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी, एज वेल एज हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएंगे इस अरेबियन सी वाले रीजन के अंदर। दिस इज़ द रीज़न दैट ओमान के अंदर डुकम पोर्ट के अंदर, डुकम पोर्ट पर जो है हमने अपना पोर्ट इस्टेब्लिश किया है। वहीं एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है गल्फ ऑफ ओमान कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी दो जो है लैंड को सेपरेट करता है गल्फ ऑफ ओमान, इज सिचुएटेड बिटवीन ओमान एंड ईरान। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ध्यान देंगे कहाँ लोकेटेड है, ईरान एंड ओमान को सेपरेट करता है। पर्शियन गल्फ के का क्वेश्चन आता है तो ध्यान देंगे सऊदी अरब एज वेल एज ईरान को जो है सेपरेट करता है। पोर्ट ऑफ ग्वादर हमें पता है पाकिस्तान में जो है सिचुएटेड है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या हुआ? आंसर वुड बी डी, ओमान। इससे रिलेटेड बाकी की चीज़ों को जो है हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है डिटेल में आप लोग कल के सेशन को देख सकते हैं जिन्होंने कल का सेशन नहीं ज्वाइन किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 विच इज ऑल्सो एब्रीवेटेड एज इंडिया 2.0 इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक ढांचा है? जल्दी से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चाबहार पोर्ट इन ईरान, वेरी गुड। जल्दी से जो है आप लोग मेंशन करेंगे इसका आंसर, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0।
सो दिस इज़ अ फ्रेमवर्क अंडर आर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये जो अब हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के बेस जो भी ये न्यूज़ बनी है. इस क्वेश्चन को बनने का रीज़न है दैट कल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर 2.0 नाम की कुछ गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क रिलीज़ किए हैं जिसके अंदर दिया गया है दैट हमारी जो भी आईडीज होती हैं लेट्स से हमारा पैन कार्ड है, हमारा पासपोर्ट है, हमारा जो है आधार कार्ड है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जो भी हमारी आईडी होती हैं इनका एक जो है कॉमन आईडी बना दी जाए. और कॉमन आईडी वो कैसी हो? दैट आईडी वुड बी डिजिटल आईडी. ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है दैट एक कॉमन आईडी बना दीजिए, यूनिक आइडेंटिटी बना दीजिए, एंड वो कैसी होनी चाहिए? वो डिजिटल आईडी होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग चले जाते हैं बाहर, इफ़ यू आर नॉट कैरिंग द कार्ड, इफ़ यू आर नॉट कैरिंग द फिजिकल कार्ड, तो क्या होता है आप लोगों को जो है या तो भाई जो भी ट्रांजेक्शन करना है या जो भी चीज़ें आपको करनी अलाउ नहीं की जाती. तो इसीलिए यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है आई टी का कहना है दैट हमें डिजिटल आईडी बनाने की ज़रूरत है सो दैट हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अच्छे मैनर में हम कर सकें. ओके, आइडिया इज़ टू क्रिएट अ सिंगल यूनिक आइडेंटिटी फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स एंड ई के वाई सी सर्विसेज. ओके, Know your customer services. तो यहाँ आप देख सकते हैं the government has invited stakeholders comment on the proposal to seek to establish federated digital identities. अब government ने क्या कहा है? Government ने कहा है that हमारा ये plan है, we are thinking on this. अब government ने open जो है platform के ऊपर या हम कह सकते हैं open discussion के लिए इस पूरे के पूरे framework को डाल दिया है so that हर कोई जो है इस civil society के जो भी participant है आए और अपने ideas, opinion share करें that किस तरीके से जो है हम और अच्छा कर सकते हैं इस डिजिटल आइडेंटिटीज का जो हम कॉमन ये एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं. इसमें जो है बात की गई है किस तरीके से बाकी के जो भी हमारे आइडेंटिफिकेशन डेटा हैं सिंगल यूनिक आइडेंटिटी के अंदर हम शेयर कर सकें या स्टोर कर सकें सो दैट डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है चाहे वो ई के वाई सी हो या ऑथेंटिकेशन किसी भी चीज़ का करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, तो हमारे पास सिंगल एक कार्ड हो जिसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें प्रोसेस की जा सके. यहाँ ध्यान देंगे किसने जो है प्रपोज किया. दिस इज़ द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी मिनिस्ट्री. एंड नाम क्या है इस जो है प्रपोजल का या इस फ्रेमवर्क का? इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर 2.0. इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. अब कुछ जो है और इम्पोर्टेंट देख लेंगे. अगला क्वेश्चन अभी आने वाला है, उससे पहले इसी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और जो है डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं. इस फ्रेमवर्क का क्या फ़ायदा होगा? व्हाट डू यू थिंक? अब आपके लिए एक ओपन क्वेश्चन है. व्हाट डू यू थिंक अगर इस तरीके का एक फ्रेमवर्क लाया जाता है, हमारी गवर्नमेंट जो है सिंगल कॉमन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन कोड, आइडेंटिफिकेशन या कोई भी प्लेटफॉर्म बना देती है, तो व्हाट डू यू थिंक इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे? प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं. तो यहाँ पर भी आप बताएंगे कि कैसे जो है इससे हमारी प्राइवेसी को एक खतरा हो सकता है, कैसे जो है यहाँ पर बेसिकली जो लोग वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं भी देना चाहते, जो नहीं चाहते कि उनकी आईडीज़ को आप कॉमन जो है एक कर दें, तो भी लोगों को मजबूरन करानी पड़ेगी. तो इस तरीके से जो भी आपको आइडियाज़ लगते हैं यू हैव टू मैंशन इन द कॉमेंट सेशन. अब यहाँ पर आप देखिए क्या एडवांटेज होंगे जो गवर्नमेंट ने ये डेटा रिलीज़ किया है इस फ्रेमवर्क के अंदर, जो उन्होंने एडवांटेजेस दिए हैं. दिस वुड क्रिएट अ सिंगल यूनिक आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी फॉर द सिटीजन्स एंड वुड मेक सिटीजन्स. इससे क्या होगा, सिटीजन्स का, लोगों का जो अभी तक डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होता है, डिजिटल इंटरेक्शन जो भी होता है, फिलहाल कहा जाता है कि थोड़ा बहुत क्यूम्बसम होता है. द रीज़न बीइंग अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर आपके पास आईडी नहीं है, तो आपको, आपने देखा होगा भाई अगर जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी आप जो है कितनी बार ऐसा होता है कि बैंकिंग सर्विसेज नहीं ले पाते. तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई डिजिटल सेटअप होगा, डिजिटल हम कह सकते हैं यूनिक आईडी होगी, तो आप लोगों के लिए जो भी डिले हो सकता था डिजिटल ट्रांजेक्शन में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, उस डिले को हम रिड्यूस कर सकते हैं. अंडर सच अ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीज कैन बी लिंक्ड वाई द आईडीज टू अलाउ ईजी पेपरलेस ऑन बोर्डिंग ऑफ सिटीजन्स एंड अवॉइड रिपीटेड डेटा वेरिफिकेशन नीड्स एज वेल एज. इससे क्या होगा, एक्सक्लूजन जो सिनेरियो है वो भी कम हो सकेगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट अभी तक आप लोग पास एयरपोर्ट पर जाते हैं ना, हमने थोड़े दिन पहले जब हमारा हैमलेस पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, उससे पहले जो है एक और आर्टिकल रिलीज़ किया गया था किसके लिए, ई पासपोर्ट सर्विसेज हमको देनी है.
ई पासपोर्ट सर्विसेज का फ़ायदा क्या था? ई पासपोर्ट सर्विस का फ़ायदा था दैट आपके लिए जो जब आप जो है एंट्री करते हैं, जब आप वेरिफिकेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको घर से बहुत सारे जो है पेपर्स लेके चलने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। अगर ई पासपोर्ट होगा तो घर से ही आप लोग जो है आपका वेरिफिकेशन हो सकेगा। आप लोगों के लिए जो ये अभी तक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं क्यूम्बसम प्रोसेस होता था एंट्री करना जाना एयरपोर्ट के अंदर, वो सारी टाइम रिड्यूस हो सकेगा और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाती है एयरपोर्ट्स पर, वो भी हम कम कर सकेंगे। ऑन द सेम नोट, अगर इस तरीके का एक जो है यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन हमारी बन जाती है तो इससे पेपरलेस सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है अचीव कर सकेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। सच अ फ्रेमवर्क वुड इनेबल द गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस टू डिजाइन आईटी आर्किटेक्चर एंड कैन स्पैन बियॉन्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज फॉर डिलीवरी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज। यहाँ पर कहा जा रहा है दैट इस तरीके का अगर कोई सेटअप होगा तो इससे ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट बट प्राइवेट सेक्टर जो है साथ मिलकर अगर कोई हमारा आईटी बेस्ड कोई भी चीज़ करनी है तो फ्रेमवर्क बनाना है या आईटी आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं किसी भी डोमेन के लिए आपको जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक कॉमन आईडी होगी तो चीज़ों को अलग अलग जगह वेरीफाई नहीं करना होगा, एज वेल एज इससे क्या हो सकेगा, टाइम भी सेव हो सकेगा। ये सारे फायदे हैं जो बताए गए हैं हमारी मिनिस्ट्री ने वाइल रिलीजिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एंड दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट। ओके, पेपरलेस ई गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो अभी फोकस भी किया जाता है कि हमें जो है ई गवर्नेंस पर फोकस करना है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? हमारी गवर्नमेंट का वो मॉडल ये होता है जिसके अंदर हम लोग जो है जो अभी तक आपने देखा है ना ऑफिसेज में जाते हैं फाइल्स रखी रहती हैं भर भर के, अगर ई गवर्नेंस का मतलब है कि सारी की सारी सर्विसेज हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी, लोगों को जो है दफ्तरों के ऑफिसेज के वर्क प्लेसेस के चक्कर ना लगाने पड़े अपने काम कराने के लिए, घर बैठे सारी की सारी सर्विसेज को सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके एंड इंफॉर्मेशन को जो है गैदर कर सकें। ओके, तो यहां पर अब आप ध्यान देंगे पेपरलेस गवर्नमेंट जो हमारी पहली बनी दैट वाज दुबई। वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड। स्टेट इज केरला, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले जो है आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। भाई सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से एक बार, सेशन को जो है शेयर कर देंगे सभी के सभी जल्दी से एक बार, सो दैट जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सभी ज्वाइन कर लें एंड बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज आज का हमारा ये सेशन है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड है आपके जो है आर्टिकल से ही, कल के बेस्ड आर्टिकल से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। अब आपको इससे ये आइडिया लग जाता होगा जब आर्टिकल यहाँ पर ऐड किए जाते हैं दैट किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनली आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुछ बर्ड सेंचुरीज गिवन है एंड सामने जो है स्टेट मेंशन किया गया है। यू हैव टू फाइंड कौन सी जो बर्ड सेंचुरी है वो कौन से स्टेट के अंदर सिचुएटेड है एंड करेक्टली मैच्ड है। यस एवरीवन, जल्दी से जो है मेंशन करेंगे। कुलिक बर्ड सेंचुरी ओडिशा, किटम बर्ड सेंचुरी वेस्ट बंगाल, अरियाकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज इन कर्नाटका। जल्दी से बता देंगे भाई क्या जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम। श्रुति का आंसर आया है सबसे पहले दैट इज सी, सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वुड बी सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट ठीक है। अरियाकुलम बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है तमिलनाडु के अंदर और रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है कर्नाटका के अंदर। इफ़ वी टॉक अबाउट कुलिक बर्ड सेंचुरी, ये सिचुएटेड है हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर एंड किटम बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है ओडिशा के अंदर। बट वाई दीज थिंग आर इन न्यूज़, ये भाई न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में होने का रीज़न है ये पर्टिकुलर आर्टिकल। Migratory birds find winter home in Bengal. Water bodies in the arid areas of the state have become new heavens for them. यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? कंटेक्स्ट ये है दैट हमें पता है दैट जब हमारे नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम पर जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कहाँ से आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हमारे जो है हिमालय से एज वेल एज सेंट्रल एशियन हाईलैंड से, हम कह सकते हैं एज वेल एज साइबेरिया से।
रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है वहाँ पर इस टाइम पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। इस एक्सट्रीम कोल्ड से एस्केप लेने के लिए, अपने एग्स को हैच करने के लिए, एग्स को ले करने के लिए ये इनको चाहिए होती है वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो वार्मथ लेने के लिए ये कहाँ आते हैं? ये ट्रैवल करते हैं सेंट्रल एशियन हाईलैंड से, हिमालय से, एज वेल एज जो है साइबेरिया से, यानी कि रशिया से इंडिया की तरफ, एज वेल एज साउथ अफ्रीका की तरफ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल ये पहुंच चुके हैं बंगाल के अंदर। द रिवर्स ऑफ सुंदरबन एंड संचंत्र गची झील इन हावड़ा एंड द कुलिक बर्ड सेंचुरी आर अ फ्यू ऑफ वेल नोन स्पॉट्स वेयर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट एवरी ईयर। हर साल जो है यहाँ पर बर्ड्स आती हैं और इस बार बहुत लार्ज स्केल पर बर्ड्स पहुँच चुकी हैं। कहाँ पर? कुलिक बर्ड सेंचुरी। पता चल गया कहाँ से आया कुलिक बर्ड सेंचुरी, कहाँ सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। ओके, ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सर्वे भी करवाया है। सो द सर्वे बाई वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिवील्ड दैट वाटर बॉडीज़, कहाँ की वाटर बॉडीज़? बंकुरा की वाटर बॉडीज़ और बाकी के आसपास के एरियाज़ की जो वाटर बॉडीज़ हैं ये थोड़े से एरिड रीजन है। ओके, थोड़े से एरिड रीजन है, इसी वजह से ये मोस्ट प्रेफरेबल जो है लोकेशंस हैं इन माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा। क्लियर एवरीवन? दंगरी झील, यस जोहा, यस, और वहीं से ही आपका आया था कुलिक बर्ड सेंचुरी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं नियरली 133 स्पीशीज हैं बर्ड्स की जो जो है वेस्ट बंगाल की 20 वाटर बॉडीज के आसपास जो है आइडेंटिफाई की गई हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, अगले आर्टिकल की तरफ जो है बढ़ते हैं आगे। एंड अगला आर्टिकल भी रिलेटेड है आपका जो है करंट बेस्ड एक आर्टिकल से। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ऑफन सीन इन न्यूज़ इज व्हाट? डिटेल में मैं कई बार आपको करा चुकी हूँ, बट हर दिन आए दिन न्यूज़ में बना रहता है, तो हम लोग जो है देखेंगे इससे रिलेटेड क्या जो है करेक्ट आंसर बनता है। इट इज़ अ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कनेक्टिंग डकुनी इन वेस्ट बंगाल एंड लुधियाना इन पंजाब। अ रेलवे कॉरिडोर बिटवीन रामेश्वरम मन्ना मदुरई स्ट्रेच इन तमिलनाडु वेर इन द ट्रेन्स आर इक्विप्ड विद बायो टॉयलेट्स टू एंश्योर जीरो डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन वेस्ट ऑन द रेल ट्रैक्स। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कनेक्टिंग मुंबई इन महाराष्ट्र विद अहमदाबाद इन गुजरात एंड डी इज अ सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर कनेक्टिंग थिरुवनंतपुरम एंड कासरगोड। भाई सेशन को शेयर करते चलिए, सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करते चलिए, क्योंकि अभी जो है हम लोग दो तीन आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो ये जो बी ऑप्शन है ये बेसिकली ग्रीन कॉरिडोर, कंट्री का पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर जो है बनाया गया था। ग्रीन रेल कॉरिडोर, फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बना था? रामेश्वरम से जो है मन्ना मदुरई स्ट्रेच तक तमिलनाडु में बना था, जहाँ पर बायो टॉयलेट्स बनाने की बात की जा रही थी। सो दैट जो रेलवे ट्रैक के ऊपर इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर ह्यूमन एक्सक्रीटा, गंदगी जो पड़ी होती है, उसको हम कम कर सकें। ओके, तो ग्रीन रेल कॉरिडोर, ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर कहाँ से बना था? ये लगभग 114 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि तमिलनाडु के रीजन, इस रीजन में सिचुएटेड है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा डी। ओके, ये क्या है? दिस इज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन रेलवे कॉरिडोर जो कि क्या कनेक्ट करता है? तिरुवनंतपुरम को जो है कासरगोड से कनेक्ट करता है, यानी कि केरला के एक्सट्रीम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को एक्सट्रीम सदर्न डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। कह सकते हैं टोटल केरला की 11 डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करता है। ओके, अब इसके को लेके जो है बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में बनाई हुआ है, रीज़न बीइंग भाई इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो लोग अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं, रीज़न बीइंग कि इसे कहा जा रहा है दैट केरला का जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी, उसको बहुत बड़े स्केल पर नुकसान पहुंचेगा, एज वेल एज इससे जो है केरला जो ऑलरेडी डेप्ट ट्रैप में आ चुका है, इससे जो है फाइनेंशियल बर्डन भी स्टेट के ऊपर पड़ने वाला है। क्लियर एवरीवन? आंसर क्या हुआ आपका? डी। ठीक है, आप लोग अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की डेली जो है यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रही है, आप लोगों का डेली जो है टेस्ट भी हो रहा है, आप लोग अपनी चीज़ों को रिवाइज़ भी कर पा रहे हैं।
चलिए आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है द DLI स्कीम एंड द चिप मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। आप लोग ध्यान रखेंगे दैट कई बार क्या होता है ना, जब सेशन लंबा लेंदी हो रहा होता है तो व्हाट आई डू इज कई सारे आर्टिकल्स हमारे रह जाते हैं, बट चीज़ें छूटे ना, इसलिए मैं जो है अगले दिन और किसी भी दिन जिस दिन आर्टिकल्स कम होते हैं तब इंक्लूड कर लेती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ देम। ये कल के न्यूज़पेपर में गिवन आर्टिकल था। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है द DLI स्कीम एंड द चिप मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। DLI स्कीम किसको यहाँ पर लिंक कर रहे हैं DLI से? चिप मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ पर बात की जा रही कैसे जो है हम अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, क्या करके? इंसेंटिव प्रोवाइड करके, ठीक है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव्स को जो है बेसिकली प्रॉमिस करके, सो दैट इससे क्या हो, इससे एक मोटिवेशन मिले हमारे इस सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम के अंदर, लोग जो है काम करने के लिए तैयार रहें, क्रिएटिव रहें। ओके, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में। सो इंडिया हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम दी 100 डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। किस बात के लिए? टू बिकम अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कि भाई आप क्या कीजिए, आप डिज़ाइनिंग कीजिए। डिज़ाइनिंग किस चीज़ के लिए किया? आप चिप्स को हमें मैन्युफैक्चर करना है, हमारी जो डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर्स के लिए फिलीपींस के ऊपर, कंबोडिया के ऊपर, लाओस के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, चाइना के ऊपर, इनको हम कम कर सकें और हमारा जो खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स का इकोसिस्टम है हम उसको क्या कर सकें, मजबूत कर सकें। बट रॉ मटेरियल के लिए, चिप्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट है दूसरे नेशंस के ऊपर। यहाँ पर बात की जा रही है, थोड़े दिन पहले भी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि सरकार ने जो है लगभग 2000 करोड़ का एक जो है अमाउंट फिक्स किया है, किसके लिए? चिप मेकिंग या सेमीकंडक्टर्स को बूस्ट करने के लिए हमारी कंट्री में। तो वहीं अब यहाँ पर कहा गया कि आप डिज़ाइनिंग कीजिए, आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग कीजिए। जिस भी स्टार्टअप की, जिस भी जो है कंपनी की, जिस भी फर्म की डिज़ाइनिंग अच्छी होगी, उनको हम उसी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। क्लियर एवरीवन? ऑल्सो IT मिनिस्ट्री हैज़ सॉट प्रपोजल्स फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक्स एज वेल एज स्टार्टअप्स। हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, किस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, क्यों? कि आप लोग जो है हमारी कंट्री में जो इंजीनियर्स हैं ना उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। ट्रेनिंग किस बात की प्रोवाइड कीजिए? सो दैट हम लोग जो है सेमीकंडक्टर्स की डिज़ाइनिंग कर सकें एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग कम कर सकें। ओवरऑल हमें अपना जो डिपेंडेंस है दूसरे नेशंस के ऊपर, चाहे वो स्किल के बेस्ड हो या वो मैन पावर हो या वो मैन्युफैक्चरिंग हो या रॉ मटेरियल हो, किसका? सेमीकंडक्टर्स का। इसको हम रिड्यूस कर सकें एंड हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। ओके, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है ये गाइडलाइंस मेंशन की है। ओके, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम को जो है ओपन प्लेटफॉर्म पर निकाला है। इसमें क्या किस एम के साथ इसको रिलीज़ किया गया है? एम है फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना कंपनीज को, सो दैट अच्छे से अच्छे सेमीकंडक्टर मेक जो है बनाने वाले प्लांट्स एंड यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर सकें। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है फिस्कल सपोर्ट यानी कि मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। कितना? लगभग 50% जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 50% सरकार जो है आपको इंसेंटिवाइज करेगी, उस कॉस्ट को इनकर करेगी। जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट होंगे इस जो है सेमीकंडक्टर मेकिंग प्लांट्स के अंदर, इट विल ऑल्सो ऑफर फिस्कल सपोर्ट ऑफ 30% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पार्टिसिपेंट्स फॉर बिल्डिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स एंड सेंसर्स फैब्रिकेशन प्लांट्स इन इंडिया अंडर दिस स्कीम। ना सिर्फ यहाँ पर सरकार ओवरऑल का कॉस्ट का आपका 50% देगी, बट जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यानी कि जो आपने पूंजी खर्च की है, ठीक है, इस पर भी सरकार जो है अलग से 30% का जो इंसेंटिव है या सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगी। नाम से समझ लीजिए ना, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। यहाँ पर इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किया जाएगा अच्छी डिज़ाइनिंग, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए। एंड इंसेंटिव ऑफ 4% to 6% किसके ऊपर? नेट सेल के ऊपर प्रोवाइड, जो भी नेट सेल रहेगी उसके ऊपर लगभग 4 से 6% का जो है इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अगले आने वाले 5 साल तक। ऐसा ना हो ना कि कंपनी कोई इस्टेब्लिश हो जाए, इस्टेब्लिश होने के बाद आप लोग, आपने जो है 1 साल तक तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड किया, कमिटमेंट की कि हम लोग जो है इनिशियली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बाद में जाके पता चलता है
उनकी जो नैया है वो मझधार में लटकी हुई है, यानी कि सरकार कोई सुध ही नहीं ले रही है, सरकार इंटरेस्टेड ही नहीं है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में। इसलिए सरकार ने पहले ही कमिटमेंट कर दिया कि हम आने वाले 5 साल तक जितनी भी आपकी नेट सेल रहेगी उसका जो है लगभग मैक्सिमम 6% की जो इंसेंटिव है हम आपको आने वाले 5 साल तक प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ध्यान रखेंगे इस स्कीम का टेन्योर क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, ना सिर्फ यूपीएससी बट स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, बैंकिंग के लिए जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस स्कीम की शुरुआत जो है की गई है 1 जनवरी 2022 को इंसेंटिव प्रोवाइड करने की, और कब तक की जाएगी, आगे आने वाले 5 ईयर्स तक जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल आपका आ चुका है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया गेन्स एज सेड इन द सर्वे। यहाँ पर बात की जा रही है दैट पिछले एक डिकेड की अगर हम बात करें तो इसमें जो फॉरेस्ट एरियाज के अंदर इंक्रीज देखने को मिला है वो जो है इंडिया में 3rd रैंक इंडिया उसमें लाई करता है। एवरेज जो एनुअल गेन हुआ है फॉरेस्ट एरियाज़ में कब से कब तक, 2010 से 2020 तक वो कितना हुआ है, वो लगभग जो है 3rd रैंक पर इसमें इंडिया आता है। ये किसने जो है डेटा रिलीज़ किया है, दिस हैज़ बीन गिवन बाय, यस, तो ये जो डेटा है किसने रिलीज़ किया है, इकोनॉमिक, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा है अपनी एनुअल, जो अभी कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया उसी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है दैट इंडिया जो है 3rd नंबर पर सबसे अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है फॉरेस्ट एरियाज़ का जो गेन हो रहा है उसके अंदर। यहाँ पर कहा जाया है दैट एवरेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 266,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया इस 10 साल के कार्यकाल में बढ़ा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ध्यान देंगे इस चीज़ को, क्या है, पिछले एक डिकेड के अंदर जो हमारे जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया था उसमें क्या पता चला है, लगभग 266,000 हेक्टेयर्स का जो लैंड है वो इंक्रीज हुआ है। हम कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर्ड, हमारी कंट्री का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 24% जो है फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं, जिसमें से वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 2% वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंडिया के अंदर लाई करता है। हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का लैंड एक कितना है, 24%, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो है 2% फॉरेस्ट जो एरिया है वो इंडिया के अंदर लाई करता है। क्लियर एवरीवन? फॉरेस्ट एरिया इन द पास्ट डिकेड, यस, आज सभी स्टूडेंट भाई कहाँ गए, इतना इम्पॉर्टेंट हमारा सेशन चल रहा है, वाई आर नॉट एवरीवन पार्टिसिपेटिंग, इतने इम्पॉर्टेंट हम लोग जो हैं आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी आगे और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आने वाले हैं। सभी के साथ भाई लिंक को शेयर कीजिए, सभी को इन्फॉर्म कीजिए दैट क्लास ऑलरेडी ऑन गोइंग है। ओके, जल्दी से जो है लिंक शेयर कर दीजिए क्लास का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और क्या बात की गई है, टॉप 10 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट वाला एरिया है वो कहाँ पर लाई करता है, दैट इज़ इन ब्राज़ील। ओके, पूरे वर्ल्ड का लगभग 59% जो फॉरेस्ट कवर है वो ब्राज़ील के अंदर है। सेकंड इज़ पेरू। ओके, सेकंड कहाँ पर है, पेरू में। थर्ड है हमारा कॉन्गो के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फोर्थ है रशिया के अंदर। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ये कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो कहा है इंडिया 3rd रैंक पर है, इंडिया 3rd है गेन होने में, ठीक है, बढ़ोतरी के अगर हम मायनों में बात करते हैं तो इंडिया कहाँ पर आता है, 3rd नंबर पर आता है। बट अगर हम टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है ब्राज़ील। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बन सकता है इसके बेस्ड, आपको जो है हायरार्की में सेट करके दे देंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। भाई लाइक करते चलना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ब्राज़ील में है, देन पेरू, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड देन इन रशिया। ध्यान देंगे इन सारी चीज़ों को। ओके, अब अगर हम बात करें हमारी जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, ओके,
जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दैट ये जो है एक बाइनियल रिपोर्ट है. बाइनियल रिपोर्ट का मतलब क्या है, एवरी टू ईयर्स पर रिलीज की जाती है. ओके, इससे भी जो हमें डेटा निकल के आया है, जो रिपोर्ट निकल के आई है, उससे कुछ हद तक हम कह सकते हैं पॉजिटिव ही रिपोर्ट रही है, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग जो हैं अगले आर्टिकल के तरफ. यस, रशिया में जो है 50% फॉरेस्ट कवर करता है रशिया पूरे वर्ल्ड का. इंडिया रशिया होल्ड डिस्कशन ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा, मॉस्को टू अज्यूम प्रेजिडेंसी ऑफ काउंसिल इन फेब्रवरी. हमें पता है दैट हमारी जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरमैनशिप होती है, जो प्रेजिडेंटशिप होती है, वो चेंज होती रहती है. अपकमिंग किसकी होने वाली है, अपकमिंग जो है रशिया की होने वाली है. ओके, किसकी होने वाली है, रशिया की होने वाली है. अब उससे पहले जो है इंडिया एंड रशिया की एक जो है हम कह सकते हैं वर्चुअल टॉक ऑर्गेनाइज की गई है. इंडिया एंड रशिया ऑन मंडे हेल्ड कंसल्टेशन ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इशू ड्यूरिंग द विजिट ऑफ एम्बेसडर सर्गे वेसिलविच वर्शिनिन, जो कि जिन्होंने विच इज़ डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशियन फेडरेशन से. इनका विजिट था इंडिया में, जिसमें डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से जो फिलहाल हमें पता है रशिया वैसे भी न्यूज़ में है ही. न्यूज़ में होने का रीज़न है जो पूरा की पूरा यूक्रेन वाला इशू चल रहा है. ओके, जो यूक्रेन के साथ रशिया की जो टेंशन चल रही हैं, एज वेल एज बात की जा रही है किसकी, नैटो को जो है आगे बढ़ाने की, कहाँ तक नैटो को जो है एक्सपेंड करने की. तो यहीं पर बात की गई कि क्या जो है हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है अब जो अपकमिंग 76th सेशन होने वाला है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का. क्लियर एवरीवन? तो ध्यान देंगे हमारे इस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में का क्या एजेंडा होने वाला है, कैसे किस तरीके से जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एज वेल एज जो इंडिया किस तरीके से जो है कॉपरेशन ले सकता है और ज़्यादा रशिया से, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिया जो है कैसे रशिया से सपोर्ट ले सकता है, कई सारी जो है ये सारी बातें की गई हैं. क्लियर एवरीवन? ध्यान देंगे अगली प्रेसिडेंटशिप किसकी होने वाली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की. दिस वुड बी बीइंग चेयर्ड बाय रशिया, रशियन फेडरेशन की जो है थोड़े टाइम बाद होने वाली है. आगे बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर टुडे. इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा जो है कल का रिलीज किया गया, डिटेल में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो भी हमें जो है टेक अवेज निकलते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से. सबसे पहली चीज़ तो आप देख लेंगे इंडिया की जीडीपी को लेकर जो फोरकास्ट की गई है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्या जीडीपी को लेकर फोरकास्ट की गई है. आज पता है हमें जो है हमारा बजट रिलीज होने वाला है. बजट से एक दिन पहले 31st को रिलीज़ किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे. बेसिकली हम कह सकते हैं बजट होता क्या है, बजट होता क्या है, वॉट डू यू थिंक वॉट एक्चुअली इज़ द बजट. बजट हम कह सकते हैं हमारे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमको किस तरीके से जो है अपना एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू को जो है वर्क कराना है, या हम कह सकते हैं बैलेंस बनाना है. हमको कितना खर्चा करना है, किस सेक्टर में खर्चा करना है, कहाँ से हम लोग सेविंग कर सकते हैं, क्या हम लोगों को जो है टैक्सेशन की स्कीम अपनी रखनी है, सो दैट इस जो है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को हम लोग जो है बैलेंस कर सकें. हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, हम लोग जो है एस्टिमेशन तैयार करते हैं कि कौन कौन से जो है हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ रहने वाले हैं. यही जो है बजट के अंदर चीज़ें जो है डिक्लेयर की जाती हैं. तो कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया था, जिसके अंदर बात की गई सबसे पहली तो दैट इंडिया की जो जीडीपी रहने वाली है, उस जीडीपी की जो ग्रोथ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 9.2% रहने वाली है. ये रहने वाली है कब, इस साल. ओके, दिस ईयर. बट वहीं अगर हम बात करें 2022 और 2023 की, 2022-2023 की, तो कितनी रहने वाली है, दिस वुड बी अराउंड 8 से लगभग जो है 8.5% जो है इंडिया की जो है ग्रोथ रहने वाली है 2022 से 23 में. अब यहाँ पर जो है ना कुछ रीजंस बताए जाते हैं, यहाँ पर कुछ रीजंस बताए जाते हैं दैट क्या रीज़न होंगे इस जो है ग्रोथ के, या किन क्या फेवरेबल कंडीशंस रहने वाली हैं इस ग्रोथ को जो पुश करेंगी, या क्या जो है पूरे ग्लोब का सिनेरियो रहने वाला है जिस वजह से हमारी जो ये ग्रोथ है इस पर फ़र्क पड़ सकता है. ये चीज़ें ना मैं आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर से दिखाती हूँ, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग सके. ठीक है, हम लोग डायरेक्टली न्यूज़पेपर को ओपन करते हैं जहाँ पर ये आर्टिकल पूरा की पूरा आपका दिया गया है. ओके, ये रहा आपका जो है न्यूज़पेपर का आर्टिकल. यहाँ पर आप देखेंगे दैट जो ऑयल प्राइजेस को लेकर फोरकास्ट की गई है, यहाँ पर क्या कहा गया है दैट ऑयल के जो हमारे प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं.
अगर पैंडमिक डिसरप्शन नहीं हुई, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें कब कही जाने की बात कर रहे हैं, बात की जा रही है अगर कोई, यहाँ पर देख सकते हैं, पैंडमिक कोई डिसरप्शन और नहीं होती है, ठीक है, तब हमारी ये जो ग्रोथ को लेकर जो प्रोजेक्शन है वो हो सकेंगी। ओके, हमें पता है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, 3 दिन पहले ही हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था, नाउ ही हैज़ बीन चेंज, अब कौन है हमारे ये जो है सर नागेश्वरन है। अब हम देखेंगे दैट क्या क्या यहाँ पर जो है बेसिकली अजम्पशन किए गए हैं इस ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर। यहाँ पर कहा गया है इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। महंगाई ज़्यादा रहने का रीज़न क्या होगा भाई? महंगाई ज़्यादा रहने का रीज़न हमें पता है, हमारे पास फ़िलहाल जो है सर्विसेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हमारे पास जॉब्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में ज़्यादा है, वर्क प्लेसेस पूरे ढंग से काम नहीं कर रही हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन भी हमारा अफेक्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अफेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर अफेक्टेड होगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है हमारा इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एनर्जी प्राइजेज अलॉन्ग विद टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी पोजेस अ चैलेंज। हमें पता है अगर हमारे ऑयल प्राइजेस कहीं भी फ्लक्चुएट करते हैं तो पूरा की पूरा इम्पैक्ट हमारी जो है डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर, डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर आके पड़ता है। अगर यहाँ पर हम बात करें वर्ल्ड के अंदर कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है और प्राइस कच्चे तेल की जो दाम है, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट क्या होगा? आप तीसरे दिन सब्जी लेने जाएंगे ना तो आप देखेंगे जो सब्जी होगी ना वो 20-30 रुपये महंगी हो चुकी होगी। आप कहेंगे भाई क्यों भैया इतनी महंगी हो गई 3 दिन में? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा भाई तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। हमारा लॉजिस्टिक्स, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सारा की सारा डिपेंडेंट है जब ऑयल के ऊपर, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारी डोमेस्टिक प्राइस वैल्यू के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसके रेट्स डेली की डेली डिटरमाइन किए जाते हैं, डेली की डेली चेंज होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द ग्रोथ रेंज हिंजेस ऑन अजम्पशन दैट देर विल बी नो फर्दर डेलिबरेटिंग पैंडमिक रिलेटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, मॉनसून नॉर्मल रहेगा। ये ग्रोथ कब जो है, जो जितनी हमने एज्यूम की है अराउंड 9 की, वो कब हो सकेगी? जब फर्दर कोई भी डिस्ट्रप्शन ना मिले, मॉनसून हमारा नॉर्मल रहे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी बाई मेजर सेंट्रल बैंक्स विल बी ब्रॉडली जस्ट अ सेकेंड, यस, अभी तक हमने क्या देखा था, पिछले हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है जिसको ध्यान देंगे, हमारे पिछले जो है इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी कि इंडिया की रिकवरी कैसे होने वाली है, इंडिया की जो रिकवरी है दैट वुड बी वी शेप्ड, वो कैसी होने वाली है? वी शेप्ड होने वाली है। बट हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल, नाम ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र सर संजीव सान्याल, उनका कहना है ये जो हमारी रिकवरी है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वी शेप, रैदर ये कैसी रहने वाली है, ये डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी हमारी रहने वाली है। ओके, डब्ल्यू शेप इन द एयर, ध्यान देंगे इस चीज़ पर। ओके, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू शेप का मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट पे ध्यान दीजिए, पहले जो है किस तरीके से प्रोसीड करेगी, डब्ल्यू की जो शेप होती है यानी कि स्लंप आएगा, फिर दोबारा से गेन होगा, फिर स्लंप आएगा और दोबारा से गेन होगा। वी शेप रिकवरी ना होकर हमारी जो रिकवरी है वो कैसी होने वाली है, डब्ल्यू शेप होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने थीम दी है सर्वे की, जिस पर ये पूरा की पूरा रिलीज़ किया गया है, वो क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है हमको जो है ना शॉर्ट टर्म सपोर्ट किसको प्रोवाइड करना है, जो फिलहाल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सेक्टर का पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा इस पैंडमिक की वजह से अफेक्टेड लोग रहे हैं, हमको पहला फोकस करना है उन लोगों के ऊपर। तो हम कैसे फोकस करें, लॉन्ग टर्म में तो हम लोग फेवरेबल पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बात की जा रही है कि हम लोग फोकस करेंगे जो अत्यधिक कमज़ोर वर्ग के लोग हैं ना, उन लोगों को हम लोग जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी जो है बेसिकली हम कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट या उनकी रिकवरी पहला फोकस रहेगा। ओके, वाइल द 9.2 ग्रोथ एस्टिमेट फॉर 2021-2022 सजेस्ट अ रिकवरी अबव प्री पैंडमिक लेवल ऑफ 2019-2020 बाई 1.3%। यहाँ पर जो 2021-22 में जो रिकवरी हो रही है ना, वो बढ़ोतरी तो देखी जा रही है लगभग जो है 1.5 गुना की,
प्राइवेट कंजम्पशन सेगमेंट सच एज ट्रैवल, ट्रेड, होटल्स, ये हमें पता है पैंडेमिक की वजह से वर्स्ट अफेक्टेड हुए हैं। होटल्स हमारे बंद हैं, ट्रैवल हम कह सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर ये भी रिकवर कर जाता है, ये भी फुली ऑपरेशनल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारे ये ग्रोथ एस्टिमेट है ना 9.2 के जो हमने टारगेट सेट किए हैं, डेफिनेटली इतनी इसी लेवल की जो है बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पर यह भी बात की जा रही है, द स्टॉप स्टार्टअप नेचर ऑफ रिपीटेड पैंडेमिक वेव्स मेक इट्स एस्पेशली डिफिकल्ट फॉर दोज सब सेक्टर्स टू गैदर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट कोई भी, अब आप खुद सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा दैट मैं जो है ना कुछ अपना स्टार्टअप तैयार करता हूँ, आपने अपना स्टार्टअप खोल लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है। 3 महीने बाद क्या होता है, एक और अगली वेव आ जाती है, अब क्या होगा, आपको बंद करना पड़ेगा अपना स्टार्टअप। नाउ यू हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो पैंडेमिक की वजह से जो है स्टॉप स्टार्टअप नेचर आ चुका है, यानी कि अच्छा बंद करने पड़ जाते हैं अचानक से जो रोज़गार, जो कारखाने होते हैं, जो वर्क प्लेसेस होती हैं, फिर दोबारा से चीज़ें नॉर्मल होती हैं जब लॉकडाउन खत्म होता है, फिर लोग जो है दोबारा से अपने कामकाज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हमारा फोकस रहेगा कि जो ये सिस्टम है हम इसको कम से कम कर सकें। अगर कोई इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आती भी है तो इसकी वजह से जो वर्क प्लेसेस हैं वो अफेक्टेड ना हो। यहाँ पर कहा गया है दैट हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगले आने वाले साल में वैक्सीनेशन पर फोकस करना होगा। ठीक है, किस पर फोकस करना होगा? हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर फोकस करना होगा, सो दैट आगे आने वाले टाइम में इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हमारी ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। इकोनॉमी पर फ़र्क कब पड़ता है? जब वर्क प्लेसेस, इकोनॉमिक्स, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर लोग वैक्सीनेटेड होंगे फुली, एज वेल एज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम क्या करेंगे, हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात करेंगे। अब अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ऑब्वियसली बात है आप लोग जो हैं गाँव में जाके हॉस्पिटल बनाते हैं, गाँव में हॉस्पिटल बनाते हैं, तो इसकी वजह से जो पिछले साल हमारे मनरेगा की डिमांड्स कम हुई थी, कम तो होंगी ना, काम जब नहीं होंगे तो मनरेगा की जो ये डिमांड्स हैं ये भी दोबारा से रिवाइव कर सकेंगी। क्यों? अगर किसी भी गांव में कोई पब्लिक हेल्थ केयर कम्युनिटी सेंटर बनता है तो वहां के आसपास के जो लोग होंगे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की। इससे क्या होगा, इससे जो है ना सिर्फ हमारा जो कोर सेक्टर है हमारी कंट्री का, लेट्स से कौन कौन से आते हैं हमारे कोर सेक्टर के अंदर, हमारे जो हैं लेट्स से आयरन है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब भी ज़्यादा तरीके से जो है प्रोडक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, अल्टीमेटली जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी प्रोडक्शन फर्म्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको भी एक बूस्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, इससे ही हम लोग जो हैं जो हमारी मनरेगा की डिमांड्स ड्रॉप हुई थी पिछले साल जून से अब तक, बंद हो तो बंद है तो बंद कम ही होगी ना, वो भी हम रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई की जाएगी स्कूल्स के अंदर, इसका मतलब क्या है, फोर्टिफिकेशन होता क्या है, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ओके, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करना किसी भी फूड के अंदर, किसी भी जो है क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लेट्स से फोर्टिफाइड राइस होता है, इसके अंदर हम लोग जो है विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, हम लोग जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़ा देंगे जब ये क्रॉप तैयार हो रही होगी, सो दैट जिन बच्चों को, जो कुपोषण का शिकार अभी तक हैं हमारे जो हैं बच्चे, वो लोग कुपोषण से दूर हो सकेंगे, मैल न्यूट्रिशन की जो इश्यूज हैं वो भी कम हो सकेंगे। तो ओवरऑल हम लोग जो हैं इससे साथ ही साथ जो हमारा हम लोग बात करें अपने जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो हमारा रैंक फ़िलहाल ख़राब होता चला जा रहा है अपने पड़ोसी देशों से भी, इस चीज़ को भी हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकेंगे। तो हंगर इशू भी जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैल न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा, एंड ओवरऑल जो है जब वो बच्चे स्वस्थ होंगे, सशक्त होंगे, तो आगे आने वाले टाइम में नेशन बिल्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें थी जो इस जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कल जो रिलीज़ किया गया इसके अंदर बात की गई है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ दूसरी चीज़ देख लीजिए, होलसेल इन्फ्लेशन रिमेंड अबव 10%। यहाँ पर देख लीजिए
ये ऑल दो हमने डिस्कस कर लिया था अभी 10-12 दिन पहले, एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसके अंदर कि जो हमारी होलसेल इन्फ्लेशन है वो कितनी रही है, 10% रही है 9 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए, दैट हमें पता है WPI एंड CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड हमारा जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों को रिलीज कौन कौन सी एजेंसीज करती हैं, कौन कौन से जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, एज वेल एज आप लोगों को कमेंट में मेंशन करना है दैट बेस ईयर WPI के अंदर क्या कैलकुलेट किया जाता है, एज वेल एज हमारा जो है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हम लोग जो है बेस ईयर क्या मेंशन करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो एट लास्ट यहाँ पर देख लीजिए दैट अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा रहे तो इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स, डोमेस्टिक प्राइसेस के ऊपर पड़ेगा, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, रीज़न बिंग एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी फिर जिसकी वजह से। क्लियर एवरीवन? यस डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द PDF जो है मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। आई एम होपिंग ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हुई होंगी, जो भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो भी हमें जो है टेक अवेज मिले हैं अपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। क्लियर एवरीवन? बढ़ें आगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको जो भी हमारा जो भी इम्पोर्टेंट टेक अवेज रहेंगे उनको हम लोग जो है धीरे धीरे करके हर दिन डिस्कस करते चलेंगे। इस बार ना एक और नई चीज़ हुई है जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया है, वो नई चीज़ क्या है, इसके अंदर जियो स्पेशियल मैपिंग से जो है इमेजेस कैप्चर की गई और उन इमेजेस को बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाने के लिए, कंपैरेटिव एनालिसिस किस में, इस 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन कितने अच्छे हुए, ये नाइट व्यू है, इसको आराम से देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन कितना अच्छा हुआ ये जो है मैप में आपको दिख पा रहा होगा। पहले नाइट व्यू ऐसा होता था, अब कितनी ज़्यादा जगमगाहट हो चुकी है, अब आप ये आप देख ही सकते हैं। ओके, पहली चीज़ हुई ये। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, हमारा हमें पता है दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो हमारा, अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है बहुत फास्ट मैनर में है, लगभग जो है 17% है। तो ये आप देख लीजिए, 17 किलोमीटर्स पर आर में जो है रोड का फिलहाल कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पर। तो 2011 की अगर हम बात करें तो जो हमारा हाईवेज एंड रोड्स का जो नेटवर्क था उसकी इमेज ये थी। अगर हम बात करते हैं 2021 में तो जो हमारा कनेक्टिविटी नेशनल हाईवेज की हो या वो हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन की हो, कितनी ज़्यादा बेहतर हुई है ये ग्रोथ, ये जो है जियो स्पेशल इमेजेस से ये कंपैरेटिव यहाँ पर एनालिसिस दी गई है। क्लियर एवरीवन? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार किया गया है कि जियो स्पेशल इमेजेस से जो है कंपैरेटिव एनालिसिस शोकेस की गई है हमारे जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। अगला आप देख लीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर भी बताया गया है कि हमारी जो बैंक्स की ब्रांचेस हैं, अभी तक क्या होता था, अभी तक जो है बहुत बहुत नज़दीक बैंक की शाखा नहीं होती थी, पर अब आप देखते होंगे कि एक ही सिटी के अंदर, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने पास जो हैं कितने सारे बैंक्स होते हैं, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट कमर्शियल जो बैंक्स हैं कितनी ज़्यादा ब्रांचेस इनकी हमारे ओपन हो चुकी हैं पूरे इंडिया के अंदर। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ हो, रूरल एरियाज़ हो, किसी भी रिमोट एरिया के अंदर क्यों ना हो, वहाँ पर जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर एवरीवन? गुड मॉर्निंग प्रत्युषा, आई एम होपिंग अगर आप नए हैं तो डेली हमारी क्लास से जुड़ेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सो दैट हमारी हर क्लास के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। इसके बाद 11 बजे जो है हमारी साइंस की क्लास भी होगी, वहाँ भी आपको जुड़ना है। ठीक है, ये चलिए इसको जो है हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका जो है बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारे टोमेटो एंड ऑनियन हैं इनके प्राइसेस इतने ज़्यादा वोलेटाइल क्यों रहते हैं, वोलेटाइल का मतलब है फ्लक्चुएट क्यों करते रहते हैं, उतार चढ़ाव क्यों बना रहता है। तो जो हमारा कल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया है इसमें रीजंस बताए गए हैं इन प्राइस वेरिएशंस में, ठीक है, कि ये क्यों जो है इतना ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट के अंदर, इसके रीजंस दिए गए हैं
हमारे इस आर्टिकल के अंदर। सबसे पहला रीज़न दिया गया है हमारी जो है क्लाइमेटिक कंडीशन। ये प्राइसेस जो हैं पेरिशेबल गुड्स इन कॉमोडिटीज़ के, वो किससे डिटरमाइन होते हैं? ये ट्रिगर हो जाते हैं जो इस बार आपने देखा होगा अनसीजनल रेन्स रहीं, ठीक है, अनसीजनल जो रेन्स रहीं। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म तक ऐसे कई सारे एरियाज रहे जहाँ पर ड्रॉट रही। पहले क्या हुआ, सुबह जब इस साल की शुरुआत हुई, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा सूखा था, बारिश ही नहीं हो रही थी, और जब बारिश शुरू हुई तो एक्सट्रीम रेनफॉल होने लगी, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने लगी, जिस वजह से जो है हमारी फसलें खराब हो गई, ठीक है, जिस वजह से जो प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो टोमेटो की हार्वेस्टिंग की जाती है दिसंबर से जून महीने में, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है अफेक्ट पड़ा। क्लियर एवरीवन? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक और आर्टिकल आ चुका है, थोड़ा सा क्विक ग्लिम्स हम डालेंगे। श्री सबरानंद सोनोवाल रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव्स अंडरटेकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन पोर्ट्स एंड ग्रीन शिपिंग इन इंडिया। यहाँ पर ये PIB की आपकी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है जो अगले जो न्यू इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, किस बात के लिए? ग्रीन इकोसिस्टम हमको जो है बढ़ाना है। ग्रीन इकोसिस्टम कहाँ का बढ़ाना है? अपने मैरीटाइम सेक्टर का, मैरीटाइम सेक्टर का ग्रीन इकोसिस्टम बढ़ाना है। किस हिसाब से? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2030 डीकार्बोनाइजेशन स्ट्रैटेजी एंड 2050 ग्रीन का हाउस गैसेस स्ट्रैटेजी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की क्या हमारी स्ट्रैटेजी है? हम लोगों को 2030 तक कम से कम कार्बन एमिशंस को करना है, कहाँ पर? मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, ठीक है, हमारी जो है मैरीन इकोसिस्टम के अंदर। इसीलिए इंडिया ने कई सारे अपने जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं इस ग्रीन इकोसिस्टम को, सो दैट हम लोग बूस्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि हम क्या करेंगे, हम ग्रीन पोर्ट इस्टैब्लिश करेंगे। ग्रीन पोर्ट इस्टैब्लिश करने का मतलब क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है हम ग्रीन पोर्ट पॉलिसी सरकार ने रिलीज़ किया, जिसके अंदर बताया जा रहा है दैट किस एज वेल एज द प्रपोज्ड टारगेट आउटकम्स विल हेल्प इंडिया इन अचीविंग इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो हमारे टारगेट हैं, एज वेल एज जो हमारे इंटरनेशनल मैरीटाइम 2030 के टारगेट हैं, क्या करने के? कार्बन एमिशंस को कम करने के, हम इनको अचीव कर पाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो हैं प्रत्युषा महापैक आपने किसका लिया है? महापैक आप ले सकते हैं BPSC का, महापैक आप ले सकते हैं UPPCS का, आप महापैक ले सकते हैं UPSC का, जो जिसके अंदर हमारी क्लासेस होती हैं, ओके। तो अब ये जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, मेरी क्लासेस बैंकिंग में नहीं होती है प्रत्युषा, अगर आपने बैंकिंग का महापैक लिया है तो, ओके। तो यहाँ आप देखेंगे दैट कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनके अंदर क्या क्या फोकस किया जाएगा। फोकस किया जाएगा दैट हम लोग जो है क्लीन फ्यूल जो है व्हीकल्स अडॉप्ट करेंगे पोर्ट वाले एरिया में, पोर्ट वाले एरिया से डीजल को कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ओके। यहाँ पर बात की जा रही है दैट कम से कम जो है बेसिकली डस्ट सेपरेशन सिस्टम लाया जाएगा, जो हमारी फ्लाई ऐश रहती है, जो डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो बहुत ज़्यादा रहते हैं पोर्ट वाले एरियाज़ में, उनको हम कर सकें। साथ ही साथ जो हमारे हार्बर की वाटर क्वालिटी रहती है इसको इम्प्रूव कर सकें, एज वेल एज हम लोग जो है पोर्ट वाले एरियाज़ में ग्रीन कवर को बढ़ावा दे सकें। साथ ही साथ हम लोग फोकस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। हमारा जो एनर्जी का शेयर होगा वो कहाँ से हम अचीव करेंगे? वो रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव करेंगे, ना कि डीजल बेस्ड, ना कि जो है किसके बेस्ड, कोल बेस्ड एनर्जी का प्रोडक्शन हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो अगर हमें रिन्यूएबल करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर प्लांट्स लगाने होंगे, सो दैट क्लीन एनर्जी जो है हम लोग बिल्ड कर सकें। यही सारी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में दी गई हैं। क्लियर एवरीवन? अब आप लोगों के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। दोनों में फर्क है, दोनों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रत्युषा बैंक का महापैक लिया है तो मैं बैंक के महापैक में, बैंकिंग की क्लासेस में नहीं लेती हूँ, मैं जो है आपकी UPSC और सभी के सभी स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर जो है आप लोगों की क्लासेस देती हूँ, ओके। तो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन क्या है? ये बेसिकली हमारे भारत के द्वारा इस्टेब्लिश्ड फाउंडेशन है, जिसके अंदर बात की जाती है किस तरीके से पॉलिसीज मैटर बिल्ड करने हैं, किसके लिए? एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, या फिर हमारे जो है मैरीटाइम इकोसिस्टम के लिए।
तो एक ऑटोनोमस थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2005 में इस्टेब्लिश की गई थी. कौन सपोर्ट करता है इसको? दिस हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हमारी इंडियन नेवी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है. ऑटोनोमस है बट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा. क्लियर एवरीवन? दूसरा हमारा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमें पता है, जिसके बारे में हमें पता है दैट इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, जब हमारी यूनाइटेड नेशंस की पहली मीट हुई थी 17 मार्च 1948 के टाइम पर. उस टाइम पर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल इसके 174 मेंबर्स हैं और 3 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं. काम क्या है इसका? इसका काम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना, पॉलिसीज बनाना. किस बात के लिए? वाटर बॉडीज कैसे रेगुलेट होनी है, पूरे वर्ल्ड का वाटर को रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का के वाटर को रेगुलेट कैसे करना है, पॉलिसीज कैसे बनानी है. इंडियन ओशन में अगर कोई जो है शिप पास होती है, हमारी भी होती है, चाइना की भी होती है, तो कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, इसलिए कुछ लीगल गाइडलाइन, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड की जाती हैं इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. साथ ही साथ ये मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के, इशूज़ को रिजॉल्व हम कर सकें जो भी हमारे रिलेटेड हैं मैरीटाइम से. क्लियर एवरीवन? जो भी किसी दो देश, दो से ज़्यादा देशों के बीच में इश्यूज अराइज होते हैं उनके लिए. तो नोट्स आप सभी ज़रूर 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 बना लेंगे. इस क्लास की पीडीएफ डेफिनेटली मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप IASPCS@ADA247 पर शेयर करने वाली हूँ. क्लास की जो है नोट्स बना लेंगे. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आप जो है आज की क्लास को. अब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. आप देख ही सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स UPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं, पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, जिनका ड्रीम है, जिनका पैशन है, जो हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स आया है. कल के दिन बहुत सारे एनरोलमेंट हुए हैं हमारे इस कोर्सेज के अंदर, ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था दैट लिमिटेड सीट्स होंगी इस बैच के अंदर, बिकॉज ये हमें जो है फोकस्ड बैच है, जिसके अंदर हमें डेफिनेटली टारगेटेड तरीके से सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है. बैच की जो शुरुआत है 12 फरवरी से होने जा रही है. डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी 3 से 4 घंटे की. मैं इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराने वाली हूँ. प्रीलिम्स ओरिएंटेड, बिल्कुल 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 डिटेल में हम चीज़ें समझेंगे. एंड आई कैन अश्योर दिस थिंग, साइंस का क्वेश्चन एक भी प्रीलिम्स में बाहर नहीं जाएगा. जितना हो सकता है हम लोग जो है मेहनत करेंगे. आशीष सर विल बी गोइंग टू टेक योर करंट अफेयर सेशन. श्वेता मैम आपका जो है हिस्ट्री लेंगी. सर आपकी जो है रीजनिंग लेने वाले हैं. इसके अलावा KR सुमन सर जो है आपकी पॉलिटी लेंगे. हमारी टीम तैयार है. नाउ इट्स योर कॉल कि आप लोग जो है सेलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं. कोड ध्यान रखेंगे, कोड है हमारा Y335. अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है, मैं कहूँगी आज ही एनरोल करा लीजिए भाई, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं. Y335 कोड यूज़ कर आज ही एनरोल कर सकते हैं. या इसके अलावा आप लोग जो हैं 9 फरवरी से स्टेट स्पेसिफिक बैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं. 1860 के लगभग फीस होगी अगर आप Y335 कोड यूज़ करते हैं तो. कोड ध्यान रखना है. इसके अलावा आप बैंकिंग, SSC या कुछ भी टेस्ट बुक, ई बुक परचेज करते हैं, वहाँ भी अगर आप Y335 कोड यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकेगा. क्लियर एवरीवन? तो भाई मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस दे सकती हूँ दैट आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं. बहुत 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 अच्छा ये बैच आने वाला है. पर्सनली मैं एडवाइस दूंगी. लेना ना लेना वो आप लोगों की जो है कॉल होगी कि आप एनरोलमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. बट अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस बैच के अंदर Y335 कोड को यूज़ करके अपना जो है एनरोलमेंट कर सकते हैं. क्लियर एवरीवन? तो आई एम होपिंग आज का सेशन आप सभी के लिए अच्छा रहा हो. भाई सेशन एंड होने के बाद ना कमेंट में मेंशन ज़रूर करेंगे जो भी आपका फीडबैक रहा है आज के सेशन को लेकर. जो भी आपके सजेशंस हैं डेफिनेटली आप लोगों को मेंशन करने, सो दैट मैं वर्क कर पाऊँ आप लोगों की अप्रोच के बेस्ड ही हम आपकी तैयारी करवा पाऊँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मिलते हैं 11 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में. कीप लर्निंग. गुड बाय एंड टेक केयर.